माँ बच्चे को राम बना सकती है, रावण बना सकती है, ये 100% सच है। ये पहले होता था, आप लोग ने सुना है राम भगवान पैदा कैसे हुए थे, जब उनकी यज्ञ के दौरान जो खीर मिला था, वो खीर को खाके मतलब तीनों माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों प्रेग्नेंट हुई थी। जानते हैं गर्भ संस्कार यही है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो 3 महीने में जो संस्कार करवाया जाता है वो गर्भ संस्कार होता है। लोग क्या करते हैं गर्भ संस्कार गर्भोत्सव मनाते हैं, आप लोग के सभी में 9 महीना 7 महीना होता है तो आप लोग प्रोग्राम करते हैं ना, जिसको सधौरी बोलते हैं आप लोग, वो स्थिर लेने देने की प्रक्रिया होती है, उससे बच्चे को संस्कार नहीं मिलता है। बच्चा तो संस्कार अपने पेट के अंदर थी पर्टेट ले लेता है, उस समय तो होने के टाइम में आप लोग करते हैं। तो ये गर्भ संस्कार जो है किसी भी बहन को 3 महीना होता है तो आप लोग मंदिर में जाके कंटेक्ट करेंगे, आप लोग मंडल बनाइए, आप लोग को दिन गांव सब प्रशिक्षण देंगे, आप लोग करेंगी, उसमें ये 80% गारंटी है कि आप जैसा बच्चा डॉक्टर सोचे, इंजीनियर सोचे या भक्त सोचे, जो भी सोचे, आपको पता है प्रहलाद पैदा हुआ था तो क्या हुआ था, वो तो एक राक्षस कुल में पैदा हुआ था ना, बेटा तो शब राक्षस था कि नहीं था, तो क्या किया उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, राक्षस कुल को छोड़ के वो गुरु नारद मुनि के आश्रम में गए और उन्होंने पूरा 9 महीना पूरी भक्ति शक्ति से किया। उसके बाद आपने प्रत्यक्ष देखा जब वो पैदा हुआ तो कैसे हुआ, वो तो महान भक्त था, राक्षसी गुण का था ही नहीं, क्योंकि माँ जो थी वो नाम कन्या थी, अब बाप जो था वो राक्षस था। एक चीज बताया राम ने भी देखा, राम सीता जी को तो छोड़ दिए थे, क्यों छोड़े थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था, ये तो गड़बड़ करके बताया गया है। जब राम को पता चला कि सीता प्रेग्नेंट है और यहाँ प्रजा जो है सब सीता के खिलाफ हो रही है कि रावण के घर से लाई हुई है करके, तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला नारद तुम इनको जाके वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दो। अब सोचो वाल्मीकि के आश्रम में क्या होता है, हवन तप पूजा अस्त्र शस्त्र सब माता ने सिखा दिया लव कुश को, लव कुश ने सीखा, देखा कितना तेज थे वो, है ना, तो ये सब माँ के हाथ में होता है। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि परिवार में जो भी सदस्य है, सासू